हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक केयर्स के। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रियलमी 13 प्रो 5G में आप ऐप्स कैसे हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर क्लिक कर देना है। सबसे नीचे जाना है, यहाँ पर आपको हाइड ऐप्स की ऑप्शन मिलेगी, यहाँ पर क्लिक कर देना है। जिस भी आपको हाइड करना है आपको उसे ऑन कर देना है और सेटिंग्स पर क्लिक करके प्राइवेसी पासवर्ड सेट कर लेना है। यहाँ पर 6 डिजिट का पिन सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। यूज़ पर क्लिक करना है, फिर से पिन एंटर करना है और अब आपको यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन में कुछ भी एंटर कर देना है और ऊपर टिक पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, पासवर्ड सेट हो चुका है, अब हमें एक्सेस कोड सेट करना है। तो यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करना है। एक्सेस कोड सेट करने के लिए आपको हैश एंटर करना है, फिर आपको जो भी कोड सेट करना है वो एंटर कर देंगे। जैसे कि मैं 1234 एंटर कर देता हूँ और हैश एंटर कर देना है। स्टार्टिंग और एंड में हैश एंटर करना ज़रूरी है और ऊपर टिक पर क्लिक कर देना है। तो एक्सेस कोड सेट हो चुका है, अब हमें डन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, ऐप जो है हाइड हो चुकी है। तो ये आपको कहाँ पर मिलेगी? ये आपको फ़ोन के डायलर में जाकर आपको ये जो हमने एक्सेस कोड एंटर किया है, मतलब सेट किया, वो एंटर करना है। तो आपको फ़ोन के डायलर में जाकर ये जो सेम कोड हमने आपने एंट्री किया हुआ वो एंटर करना है। जैसे कि मैंने एंटर किया था #1234#। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो आपकी हिडन ऐप्स शो हो जाएंगी, वहाँ से आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं।